हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद सिंपली हमने प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, ठीक है। आइकॉन पर क्लिक करने के बाद इधर हमने ड्राइंग वाले ऑप्शन में आके पिक कैनवास पर क्लिक करना है, ठीक है। और इधर से हमने ये वाला साइज ले लेना है पिक्चर का, यानी कि जो आप पिक्चर का साइज लेना चाहते हैं आप इधर से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला ले लूँगा 1200x600। तो सिंपली इसको डन करके एडिट इमेज कर लेंगे, ठीक है। इधर लाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सिंपली जाना है, मैं ऐड फोटो में चलूँगा और इधर एक PNG है जो हमारा इंस्टाग्राम का, उसको मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको कर लिया ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद मैंने डन भी कर दिया। अब क्या करना है, अब आप कहेंगे फोटो इसमें कैसे लगेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हमने जाना है ड्रॉ टूल में और इधर आने के बाद सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करना है और आपकी जो भी पिक्चर है आपने उठा लेनी है। तो मैं इधर से ले लेता हूँ पिक्चर, कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें कि फुल साइज पिक्चर हो, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके की। ऐसी हो जाए या दूसरी कोई भी फुल साइज हो, ठीक है। इसको हमने डन कर देना। डन करने के बाद इसको ज़रा लेयर में चलेंगे और इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड हमने इधर से चेंज करना और लाइटनिंग कर देना है। तो ये देखें हमारी पिक्चर खुद ब खुद फिक्स हो गई है। थोड़ा सा रोटेट करके और इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसको इधर सेट कर लेंगे, ठीक है। अपने अपने हिसाब से आपने सेट कर लेना है, ठीक है। इधर सेट करने के बाद अब आप ये कहेंगे कि ये लाइंस वगैरह शो हो रही हैं, तो सिंपली चलेंगे हम लेयर में और नीचे वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और इधर से टूल में आके, तो इधर से ये जो पार्ट हमारे फेस पे आ रहे हैं इनको हम इरेज करेंगे। देखें बिल्कुल आसानी से इरेज हो जाएंगे, ठीक है। कोई मसला नहीं है इनका, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें फिर से भी कर देते हैं। तो अब रह गया ये वाला पार्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें तो ये देखें तो थोड़ा सा इधर से रह गया। तो ये देखें हमारा पिक्चर फुल फ्रेम में फिक्स हो गया। सिंपली क्या करेंगे, डन कर देंगे। डन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा इफेक्ट्स में और इधर विगनेट वाला एक इफेक्ट है उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। फेड को इतना, साइज को थोड़ा सा फेड को बढ़ा देंगे साइज को। तो इधर सेट करने के बाद डन, फिर से इफेक्ट्स में चलेंगे और अब मैं आ जाऊँगा कलर्स में, सैचुरेशन को बढ़ा दूँगा। इरेजर टूल में जाके स्किन से ज़रा ये पार्ट रिमूव कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी स्किन है वो ज़रा ऑरेंज लुक ज़्यादा ना दे। तो ये हैंड से भी हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये देखें डन करने के बाद अब फिर से एफएक्स में जाऊंगा और इधर एक इफेक्ट है HDR, इसको अप्लाई करके फेड इसकी 60 के राउंड बोन और डन। तो ये देखें हमारी पिक्चर बहुत ही कमाल की एडिट हो गई है, ठीक है। सिंपली अब मैं क्या करूंगा, ड्रॉ टूल में चलेंगे
और थ्री डॉट पर क्लिक सेव इमेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, दो में याद रखना।